बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट सेक्टर पूरा मजबूत है, गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। रिसेंट की हाई के पास स्टॉक अभी आ चुका है, 2400 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। 2380 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2340 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस बनेगा 2340 का। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 2430 पहला टारगेट, 2430 दूसरा टारगेट, 2450 दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में 2500 का लेवल गोदरेज प्रॉपर्टीज क्रॉस करेगा। खरीदारी करें गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। कल रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने एक्शन भी देखा था, आज गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए अच्छी खबर भी है। नवी मुंबई में कुछ प्लॉट इन्हें मिलना था, फिर वो सिडको ने कैंसिल कर दिया, फिर ये बॉम्बे हाईकोर्ट गए अपील के साथ और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं, प्लॉट इन्हीं को मिलना चाहिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज आज एक्शन में आपको दिख भी सकता है। इनफैक्ट एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। सिद्धार्थ जी, इनके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, नवी मुंबई में प्लॉट अलॉटमेंट जो कैंसिल हो गया था, अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये गोदरेज प्रॉपर्टीज को ही प्लॉट मिलना चाहिए। बिल्कुल दीपांशु, ये पॉजिटिव है। जो दो प्लॉट्स की बात कर रहे हैं आप, सानपाड़ा में, नवी मुंबई में, इसका इनको फायदा मिला, हाईकोर्ट से ऑर्डर आया तो ये इनके फेवर में रहा और ये पॉजिटिव है। हम गोदरेज प्रॉपर्टीज में काफी समय से पॉजिटिव है और हमारा अभी भी टारगेट 2500 के आसपास का है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज डेफिनेटली रियल एस्टेट स्पेस का वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक है, तो इस पे बिल्कुल अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। आप राइड करें, जो भी इसकी तेजी है उसको एंजॉय करें और राइड करें। बिल्कुल, तो राइड करिए, इसकी तेजी एंजॉय करिए। अच्छा डेवलपमेंट गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए आया है और स्टॉक पर भी आज आपको फोकस रखना चाहिए।